नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 21 का 25वां मुकाबला, क्या शानदार मुकाबला देखने को मिला। आईपीएल की दो बेहतरीन टीम देश की राजधानी दिल्ली के सामने थी कोलकाता की टीम, जहां दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं। कोलकाता की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही नीतीश राणा और सुमन गिल ने, लेकिन नीतीश राणा ज़्यादा पारी को आगे नहीं बढ़ा पाए और 15 रन पे वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं। वहीं त्रिपाठी भी 19 रन का ही केवल योगदान दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों, मॉर्गन कप्तान और सुनील नारायण खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट जाते हैं और यहां से कोलकाता की मुश्किलें और बढ़ जाती है। लेकिन एक छोर से सुमन गिल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 38 गेंदों में आउट होने से पहले 43 रन का योगदान दे चुके थे। वहीं क्रिकेट प्रशंसकों को बर्थडे बॉय एंड्रे रसल के छक्कों का इंतजार था और वो देखने को भी मिला दोस्तों। अंत तक नाबाद रहते हुए एंड्रे रसल 27 गेंदों में 4 छक्के और 2 चौके की मदद से 45 रन की पारी खेलते हैं और उन्हीं की पारी की बदौलत कोलकाता अपने निर्धारित 20 ओवर में 154 रन बना पाती है और दिल्ली के सामने 155 रन का लक्ष्य रख देती है। वहीं दिल्ली के गेंदबाजों की बात करें तो ललित यादव और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट, वहीं आवेश खान और मार्कस स्टोइनिस को 1-1 विकेट हासिल हुआ। लक्ष्य का पीछा करने उतरे दिल्ली की शुरुआत किसी सपने से कम नहीं था दोस्तों। पहले ओवर में शिवम मावी के ओवर में पृथ्वी 106 बॉल पे 6 चौके जड़कर पारी की शुरुआत करते हैं और इस ओवर में टोटल 6 चौके और एक वाइड सहित 25 रन आते हैं। ऐसी शुरुआत टीम को मिल चुकी थी और दोनों ओपनर इसको आगे बढ़ाते हुए दोनों ने मिलकर 132 रन की साझेदारी कर डाली। पहले विकेट के रूप में शिखर धवन 47 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट होते हैं, लेकिन एक छोर से ताबड़तोड़ और धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे युवा पृथ्वी 100, जो आउट होने से पहले 41 गेंदों में 82 रन 11 चौके और 3 छक्के की मदद से बना चुके थे और इन्हीं की पारी का नतीजा रहा कि दिल्ली यह मुकाबला शानदार तरीके से एक तरफा 7 विकेट से अपने नाम कर लेती है। कोलकाता की तरफ से 3 विकेट सिर्फ कमिंस को मिलते हैं, वहीं पृथ्वी शॉ को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना जाता है।